प्रदेश में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना से अब तक 93 लोग संक्रमित हो गए हैं। मंगलवार को कुल 4 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। भीलवाड़ा से कोरोना को लेकर एक राहत की खबर भी सुनने को मिली। आपको बता दें, 26 पॉजिटिव में से 13 लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई है। मंगलवार को 2 और मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव भीलवाड़ा से मिली है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, आपसे जानना चाहूंगी, भीलवाड़ा में जितने केसेस थे उसमें से राहत की खबर यहां पर देखने को मिली। हालांकि आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सरकार के और चिकित्सा विभाग की कार्यशैली है वो कारगर सिद्ध हो रही है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना का राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहीं एक राहत की खबर भी है। अब तक 14 कोरोना के पॉजिटिव जो मरीज थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वहीं 5 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भीलवाड़ा में जो 26 कोरोना के पॉजिटिव मिले थे उनमें से 13 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जो प्रदेश भर के लिए एक राहत की खबर है। वहीं जिस तरह से लगातार कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसी बीच आज अब तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। वही हालांकि अभी तक 397 कोरोना के संदिग्ध मरीजों की उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन चिकित्सा विभाग एहतियात के तौर पर लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। जो संबंधित सिम्टम्स आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग करके उनको आइसोलेट करने का काम कर रहा है, साथ ही उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। बात करें SMS अस्पताल की कोरोना OPD की, तो कोरोना OPD में लगातार जो मरीजों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहां से जो संबंधित जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, उनकी जांच के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही जो गंभीर सिम्टम्स वाले हैं उनको भी आइसोलेट करके उनको भर्ती किया जा रहा है, उनका उपचार किया जा रहा है, ताकि ये संक्रमण को रोका जाए। इसी तरह बात करें पूरे प्रदेश में, तो प्रदेश में जिस तरह से लगातार कोरोना के आंकड़ों की संख्या वो लगातार बढ़ती रही थी, उसको लेकर भी चिकित्सा विभाग गंभीरता से काम कर रहा है। बात करें दिल्ली के मकसद से लाए गए जो कई लोगों की, तो उनमें भी जो सबसे अधिक जो संख्या है जो राजस्थान में 64 लोगों की इनकी संख्या बताई जा रही है। साथ ही साथ बताता हूँ, जिसमें सबसे अधिक जो संख्या गंगानगर में 20 लोगों की संख्या बताई जा रही है। इसी तरह भरतपुर, हनुमानगढ़, उदयपुर, टोंक, अजमेर से जो अलग अलग जिलों में जो लोग हैं वो पहुंचे थे, वहां पे उनको आइसोलेट करने का काम किया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही उनके संपर्क में आने वालों को भी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनको भी होम आइसोलेशन किया जा रहा है ताकि संक्रमण नहीं फैले। और जो जो संबंधित सिम्टम्स के जो लोग हैं उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि एहतियात के तौर पर ये जाना जाए कि कोरोना संक्रमित है या नहीं है। और जो रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उनको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज संबंधित जो अस्पताल है वहां पहुंचाया जा रहा है, ताकि अच्छे से इलाज मिल सके। सबसे जो अच्छी बात तो ये है कि भीलवाड़ा के 26 कोरोना पॉजिटिव थे, उनमें 13 की ठीक हो चुकी है। जो 13 ठीक हुए उनमें से 2 जयपुर में ठीक हुए, जो बाकी जो 11 ठीक हुए वो भीलवाड़ा में ही उपचार के दौरान ठीक हुए, जो भी एक भीलवाड़ा के हॉस्पिटल की भी एक अच्छी बात की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद लोकेश। आपको एक बार फिर से बता दें, प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन इसी बीच में राहत की एक खबर ये भी मिल देखने को मिली। भीलवाड़ा में 26 पॉजिटिव में से 13 के यहां पर रिपोर्ट्स अब नेगेटिव आ चुकी है। राहत की खबर प्रदेश के लिए, कुल 93 अभी तक मरीज बताए जा रहे हैं प्रदेश में कोरोना से संक्रमित। इनमें से भीलवाड़ा से सबसे अधिक केसेस अभी तक सामने आ रहे थे, लेकिन अभी एक राहत की खबर भीलवाड़ा से सामने आई। हालांकि यहां पर मंगलवार को 4 नए पॉजिटिव केसेस देखने को मिले, लेकिन भीलवाड़ा से जो 26 पॉजिटिव केसेस थे 13 की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा के 2 मरीज थे, उनका राजधानी जयपुर में इतने दिन से इलाज चल रहा था, लेकिन जो 11 अन्य शेष मरीज हैं भीलवाड़ा में ही रहकर उनका इलाज हुआ और रिपोर्ट अब नेगेटिव कर दी गई है। राहत की खबर फिलहाल इस पूरे पैनिक के दौरान प्रदेश के लिए ये रही कि लोग इस बीमारी से ठीक होकर अपने घरों को भी लौट रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है, बस थोड़ी सी प्रिकॉशन और सावधानी की यहां पर आवश्यकता है। लॉकडाउन का आज 8वां दिन, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन को सिद्ध बनाने के लिए और कारगर करने के लिए पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा मुस्तैद है। मुख्यमंत्री खुद यहां पर लगातार मॉनिटरिंग के द्वारा आए दिन दिशा निर्देश दे रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता योगेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, आपसे जानना चाहूंगी, भीलवाड़ा से एक अच्छी खबर, 23 जो पॉजिटिव थे उसमें से कई लोगों की यहां पर रिपोर्ट्स नेगेटिव आ चुकी है।
भीलवाड़ा में आज क्या कर्फ्यू का 13वां दिन है और भीलवाड़ा में अब तक 26 पॉजिटिव थे, इसमें से 13 दूसरी रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। ये भीलवाड़ा के लिए बहुत अच्छी खबर है कि पिछले 36 घंटों में कोई पॉजिटिव केस भी सामने नहीं आया। भीलवाड़ा में क्या कर्फ्यू को देखते हुए अभी महाकर्फ्यू लगाया गया है, 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक इसे महाकर्फ्यू के रूप में किया है क्योंकि कोरोना चेन के संक्रमण चेन को रोकने के लिए निर्णय लिया गया है। जी जयती योगेश, आपसे जानना चाहूंगी, आपने एक शब्द यहाँ पर यूज किया महाकर्फ्यू, कर्फ्यू से लोग यहाँ पर सब जानते हैं, महाकर्फ्यू किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे। महाकर्फ्यू को इस रूप में लिया गया है क्योंकि कोरोना चेन की जो संक्रमण की जो चेन है बहुत भीलवाड़ा में हाई रिस्क जोन है, इसको तोड़ने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इसमें के जो स्वयंसेवी संस्थाएं और जिनको किराने की दुकानें और प्रोविजन स्टोर की दुकानों को जो पास दिए गए थे उनको भी निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें मीडिया कर्मियों को भी पास जो दे रखे हैं अब तक उनको निरस्त किया जाएगा। जिसको महाकर्फ्यू का रूप दिया गया है पूरी कॉलोनी को भी सीज किया जाएगा। इसमें जो दूध की और किराने की व्यवस्था है, राशन की जो व्यवस्था है, वो सरकार स्वयं करेगी और होम डिलीवरी के रूप में डेयरी बूथ से घर में दूध पहुंचेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश। आपको एक बार फिर से बता दें, यहाँ पर भीलवाड़ा में अब कार्यशैली काफी ज्यादा कठोर हो चली है, लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए लगातार यहाँ पर कोशिशें की जा रही है।